एवरीवन, आज हम लोग क्लास 7 और 8 के मैथ्स को पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे घात और घातांक से संबंधित प्रश्नों के बारे में। यानी आज हम लोग घात और घातांक से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें बस आज हम लोग दो टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें पहला टाइप बेस्ड होगा a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, एंड दूसरा टाइप बेस्ड होगा हमारा a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n, क्योंकि बाई का मतलब ही डिवाइड ही होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज निकल के आएगा a टू दी पावर m माइनस n। तो इसी दो टाइप पर जो हम लोग आज क्वेश्चन को पहले डील करते हैं, तो फिर जो है नेक्स्ट टाइप को जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए तो पहले टाइप पर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला टाइप हमारा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n। इस पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 2। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीचे वाला दोनों का सेम है। अब इस फॉर्मूला में भी देखिए तो नीचे वाला दोनों का सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जैसे ही नीचे वाला सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, ऊपर वाला दोनों ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पर भी नीचे वाला दोनों का सेम है ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब 2 को 8 बार गुना करना है। अगर गुना बहुत बड़ा हो जाए तो उसको गुना करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, यहाँ अगर प्रॉपर्टी छोटा हो, वैल्यू छोटा हो, तो उसको हम लोग गुना कर लेंगे। जैसे एग्जांपल हम एक आपको दिखाते हैं, बी नंबर 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। अब यहाँ पर क्या है, नीचे वाला दोनों का सेम है ना, तो इस बार भी क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा ऊपर वाला। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। अब 3 का पावर 3 तो आसानी से निकाला जाता है, 3 को 3 बार हम आसानी से गुना कर सकते हैं। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और देख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग इससे संबंधित प्रश्न आपको देंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, 2 टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर +1 या +1 या 1। चलिए तो यहाँ पर इसको देखेंगे, तो यहाँ भी दोनों वाला का नीचे वाला सेम है ना, तो ऊपर वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी -2 + 1। तब देखिए यहाँ पर, अब चूंकि ऐड तो हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर जोड़ और घटाव का गुना नियम तो लगेगा ही। यहाँ -2 और +1, जब एक माइनस का चिन्ह आए तो हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 में से 1 माइनस होगा तो 1। अब देखते हैं बड़ा कौन है, 2 की 1 2 बड़ा है, तो बड़ा के आगे जो होगा वही साइन लगाते हैं, तो बड़ा के आगे माइनस, इसलिए आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर -1। ठीक है, तो इससे संबंधित हम आपको 5 प्रश्न देते हैं, उसको आप लोग क्या करेंगे, घर से बना लेंगे। सी तक हो गया, डी नंबर -2 इंटू 2 टू द पावर -3 e टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -3 f टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 5 g 3 टू द पावर -2 h 3 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर -3 i 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर -6। तो ये आपका इससे संबंधित 5-6 प्रश्न हो गया है, इसको आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अब हम लोग दूसरे टाइप को देखते हैं। दूसरा टाइप को हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा टाइप किस पर बेस्ड होगा, डिवाइड पर, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। अब देखिए इसमें क्या है कि ऊपर वाले में हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ पर क्या करना है, घटा देना। अगर गुना से जैसे ही भाग हो जाए, तो गुना में के कंडीशन में जोड़ते हैं और भाग के कंडीशन में घटाते हैं, बाकी कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए इसका एक क्वेश्चन में बताते हैं, 2 टू द पावर 6 डिवाइड 2 टू द पावर 2। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला सेम है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो वाले को घटा देंगे, 6 - 2 हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, बी नंबर
थ्री टू दी पावर माइनस टू डिवाइड थ्री टू दी पावर माइनस फाइव। अब यहां पर देखते हैं इसको हम लोग, तो यहां भी नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला घटेगा, तो माइनस टू में से घटाना है हमको कितना, माइनस पांच को। ये माइनस और ये माइनस यहाँ क्वेश्चन से आया है, लेकिन बीच वाला माइनस फॉर्मूला से आया है, ठीक है। तब इसको हम लोग देखेंगे तो माइनस टू और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए पांच में से दो घटेगा, चूंकि एक घटा होगा चिन्ह आया तो घटाते हैं हम लोग, तो पांच में से दो घटेगा तो तीन, अब बड़ा वाला पांच, पांच के आगे प्लस, इसलिए आंसर में रहेगा प्लस, ठीक है। अब इससे संबंधित भी हम आपको पांच छह प्रश्न देते हैं। सी नंबर, टू द पावर माइनस टू डिवाइड टू द पावर माइनस थ्री। डी नंबर, टू टू द पावर माइनस वन डिवाइड टू टू द पावर माइनस थ्री। ई नंबर, टू टू द पावर एट डिवाइड टू टू द पावर फाइव। एफ, थ्री टू द पावर फाइव डिवाइड थ्री टू द पावर माइनस टू। जी, थ्री टू द पावर माइनस टू डिवाइड थ्री टू द पावर माइनस थ्री। एच, थ्री टू द पावर सिक्स डिवाइड थ्री टू द पावर माइनस सिक्स। ये आपका आज का क्या हो गया, होमवर्क हो गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।